एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ में और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हैवी हेयर ऑयलिंग। सो गाइस, ये है सरसों का तेल। सो आज मैं सरसों के तेल से हैवी हेयर ऑयलिंग करूँगी एंड ये लगभग 300 ml ऑयल है जिसे मैं चमचे की हेल्प से ऑयलिंग करूँगी। तो आज ऑयलिंग होगी चमचे के साथ, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि मैंने छोटा वाला चमचा लिया हुआ है और इसमें है सरसों का तेल। तो मैं उसमें से इसको भर भर के और इस तरह से मैं हैवी हेयर ऑयलिंग सरसों के तेल से करूँगी, जो कि 300 ml की हैवी हेयर ऑयलिंग है ये। सो गाइस, इस वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा ज़रूर देखना इस वीडियो को एंड तक। पूरी आपकी ये रिक्वेस्ट थी कि मैं सरसों के तेल की हैवी हेयर ऑयलिंग करूँ, सो ये मैंने की है। तो इस तरह से मैं तेल लेकर के, ऑयल लेकर के अपने हाथों से मसाज करते हुए अपने बालों में इसे एडजस्ट करूँगी, लगाऊँगी इसे। आप देख पा रहे हैं, आपको इसी तरह से करनी है। एंड गाइस, मैं आपको सरसों के तेल से हैवी हेयर ऑयलिंग को अगर टिप्स दूँ तो वो ये होंगे कि मेरे ख्याल से तो आप सरसों का तेल ना ट्राई करें, वो भी हैवी हेयर ऑयलिंग के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि इनको करते करते जो हाल हुआ है बालों का वो बहुत ही खराब था। सो सरसों का तेल काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, तो मुझे किसी का नहीं पता कि आप लोग करते हैं तो कैसे, पर ये बहुत बाल, इसने बहुत ज़्यादा बाल इसने तोड़े, क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है। इतना चिपचिपा था ये कि पूरे बाल इसने चिपका दिए और ऑयलिंग करते करते फिर बड़ी मुश्किल से इससे ऑयलिंग हो रही थी, क्योंकि बाल फिर चिपकने लगे थे। आप एंड तक देखोगे कि बाल किस तरह के हो गए थे, उसमें कंघी तक नहीं जा रही थी। बाकी दूसरे जो ऑयल होते हैं उनसे आप हैवी हेयर ऑयलिंग करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं आती है, सही रहता है, पर इससे जब हैवी हेयर ऑयलिंग की तो बहुत प्रॉब्लम आई। और शैम्पू जब बाल धुलोगे आप, इतना शैम्पू यूज़ होगा, कम से कम 3-4 बार आप शैम्पू अच्छे से लेके यूज़ करोगे तब आप अपने बालों से इस ऑयल को निकाल पाओगे और बिल्कुल येल्लो येल्लो और पूरा निकलता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है सरसों के तेल से हैवी हेयर ऑयलिंग करना। नॉर्मल आप तेल अप्लाई करते हो तो वो ठीक है, बट इस तरह से बहुत सारा 300 ml की ऑयलिंग करना या 100 ml की ऑयलिंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। आपके बाल काफ़ी उलझेंगे, बहुत चिपकेंगे, कंघी भी करना मुश्किल होगी, इसमें कंघी नहीं जाएगी और आप करोगे तो बाल कुछ टूटेंगे। तो इसी इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसे ट्राई ना करें, यह आपका रिक्वेस्ट था इसलिए मैं इसे पूरा कर रही हूँ। एंड आप इसे इस्तेमाल ना करें, फिर आपकी मर्जी है, आपको फिर भी करना है, आपको लगता है कि आपको इससे कुछ बेनिफिट होता है रियल में तो आप कर लें। बाकी की मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई इसे करने में, बाल बहुत उलझे, काफ़ी टूटे और धुलने में भी बहुत प्रॉब्लम आई, काफ़ी चिपचिपा होता है ये तेल इसलिए। तो इस तरह से मैं इस चमचे की हेल्प से हैवी हेयर ऑयलिंग कर लूँगी एंड ये 300 ml की थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है एंड आपको बालों को अच्छे से मसाज करते हुए करना, थोड़ा हल्की हल्की मसाज तो करना है, बाल ज़्यादा चिपकेंगे तो आप उतना अच्छे से तो नहीं कर पाओगे, बट फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से, मैंने वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर दी है वरना काफ़ी धीरे धीरे मैंने इसे किया, अप्लाई किया था बालों में। बहुत ज़्यादा तेज़ करोगे तब के बाल टूटने का डर रहेगा, तो आप हल्के हल्के तरीके से धीरे धीरे इस हेयर ऑयलिंग को करें। एंड गाइस, इस ऑयलिंग को करने के लिए मैंने बोतल का तेल यूज़ नहीं किया, अगर आप बोलें कि बोतल से करूं तो, क्योंकि मेरे पास बोतल वाला तेल नहीं था, क्योंकि घर में सरसों का तेल घर का ही यूज़ होता है तो काफ़ी ही सारा तेल हम बोतल वाला यूज़ नहीं करते, ये घर का तेल है, इसलिए मैंने इस तरह से बाउल में लिया हुआ है ये ऑयल। गाइस, आप मेरे बालों को देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह के हो गए हैं, बिल्कुल अलग अलग, और आप देख रहे हैं कितने अजीब से हो गए। मुझे पता चल रहा था हाथ लगाते हुए बिल्कुल सुलझ नहीं रहे थे वो, और हाथ लगाना बहुत मुश्किल हो गया था, और 300 ml ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा रहा, आप देख रहे हैं।
ऑयल ख़त्म हो चुका है, मैंने समथिंग पूरा ऑयल यूज़ कर लिया है। और मैं इस तरह से सारे बालों को इकट्ठा करके फ्रंट टॉप अप बन बना लूँगी, बिल्कुल सर के बीचों बीच बनाऊँगी ये वाला बन। तो काफ़ी अच्छे से इसे आप बांध लेंगे, आप इसे रबड़ की हेल्प से भी, रबड़ बैंड की हेल्प से बांध सकते हैं अगर वो निकलता है तो ये अच्छे से हो जाएगा। एंड गाइस, अब मैंने इसमें कंघी करने की कोशिश की है तो थोड़ी मैंने इसमें कंघी की, जिससे बाल, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई कॉम करने में, क्योंकि बहुत चिपचिपे थे बाल। अब मैं इसे पीछे साइड एक बन बना लूँगी, तो आपको उसी तरह से बना लेना है। एंड गाइस, ये वीडियो इतना ही था। आई होप आपको ये हैवी हेयर ऑयलिंग का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड गाइस, आप इस हैवी हेयर ऑयलिंग करें तो प्लीज़ आप इस, आपको फिर भी करनी हो तो नाइट में करके आप सुबह वॉश ज़रूर कर दें बाल। सो गाइस, ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच।